5 जून यानी संपूर्ण क्रांति दिवस भारतीय इतिहास उन सुनहरे पन्नों में दर्ज है जिसने भारत की राजनीति को बदल कर रख दिया था। इसी दिन सन 1994 में जयप्रकाश नारायण के एक हुंकार पर युवाओं का हुजूम सड़कों पर उमड़ पड़ा था और देश की राजनीति की दिशा और दशा बदल गई थी। आपको बता दें कि इस आंदोलन में बिहार के राजनीति के आज के दिग्गज तब के नौजवान लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, रविशंकर प्रसाद भी छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का हिस्सा बनकर आंदोलन की राह पर उतर गए थे। अब सियासी संग्राम के इस बड़े दिन के सहारे बिहार के आज के युवा राजनीति के अगुवा तेजस्वी यादव सूबे की राजनीति को बदलना चाहते हैं। बिहार की राजनीति के लिए 5 जून बेहद खास है। कहने को तो ये महागठबंधन प्रतिनिधि सम्मेलन है, लेकिन सच यही है कि इस आयोजन में पूरी तरीके से आरजेडी का कब्जा है। महागठबंधन तो नाम भर का है, क्योंकि हम और आप जिस महागठबंधन को जानते थे उसमें तो कांग्रेस भी शामिल थी। उसमें विपरीत महागठबंधन के इस सम्मेलन में कांग्रेस का कहीं भी नामोनिशान नहीं है। इस आयोजन के लिए पटना में जो पोस्टर लगाए गए उसमें आरजेडी और कम्युनिस्ट नेताओं के चेहरे तो दिख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के किसी भी नेता की तस्वीर तलाशने से भी नहीं दिख रही। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा का कहना है कि पार्टी को सम्मेलन के आयोजन की जानकारी तो देने की दूर की बात, उन्हें निमंत्रण तक भी नहीं दिया गया। कहा जाए तो महागठबंधन प्रतिनिधि सम्मेलन से कांग्रेस को अलग करने की आरजेडी की चाल सोची समझी है। उसे पता है कि जनाधार खो चुकी कांग्रेस के सहारे अब कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, बल्कि उसके सहारे कांग्रेस ही लाभ उठाएगी और उसे आंख दिखाएगी। ऐसे हालात में उसे किनारे करना ही बेहतर है। दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते इन दिनों सामान्य नहीं है। तेजस्वी को पता है कि जेडीयू अगर बीजेपी से नाता तोड़ ले तो सरकार बनाने की उसकी हैसियत नहीं है। ये अलग बात है कि महागठबंधन प्रतिनिधि सम्मेलन का आरजेडी को कितना सियासी फायदा होगा, इसको जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।